इस वीडियो में आप जानेंगे कि ह्यूकॉक इंजेक्शन का उपयोग किस तरह के महिला में तथा क्यों किया जाता है, इनके कौन कौन से दुष्प्रभाव हैं, क्या इनका कोई दुष्प्रभाव भ्रूण पर पड़ता है या नहीं, इनके अलावे और भी बहुत कुछ है जानने को इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। इंजेक्शन ह्यूकॉक एचपी एचसीजी हार्मोन का भारत सीरम्स तथा वैक्सीन्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एक प्रसिद्ध ब्रांड है, जो 2000, 5000 तथा 10000 इंटरनेशनल यूनिट्स में उपलब्ध है। एचसीजी हार्मोन के कई अन्य ब्रांड्स भी हैं, जैसे सिफासी, कोरियोन, ल्यूपी एचसीजी, फर्टिजीन एचपी, प्यूबरजेन, आईवीएफसी, ओबुनाल एससी, प्रेग्निल, कोरियोटेक, नियो एचसीजी, ओविड्रेल, ओविड्रेले इत्यादि। यूं तो एचसीजी यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन का उपयोग बहुत जगह होता है, लेकिन इस वीडियो में केवल इनफर्टिलिटी तथा प्रेगनेंसी के दौरान विभिन्न स्थितियों में होने वाले उपयोगों को ही बताया गया है, क्योंकि यदि सारे उपयोगों को बताया जाए तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन यदि आप संपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एचसीजी हार्मोन पर एक छोटी सी पुस्तिका का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सारी जानकारी पा सकते हैं। ह्यूकॉक इंजेक्शन के उपयोगों को जानने से पहले एचसीजी हार्मोन के कार्य को समझना जरूरी है, अर्थात एचसीजी हार्मोन का महिला में ओव्यूलेशन से लेकर डिलीवरी तक क्या रोल है। ओव्यूलेशन अर्थात फॉलिकल से ओभम का रिहाई होना, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रवाह के कारण होता है। ओव्यूलेशन के पश्चात स्पर्म ओभम को फर्टिलाइज करता है, या सामान्य भाषा में कहें तो महिला कंसीव्ड हो जाती है और प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू हो जाती है। कंसीव होने के बाद प्लेसेंटा एचसीजी हार्मोन का निर्माण तथा सिक्रेशन करती है। यह एचसीजी हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय के अंतः परत के मोटाई को बढ़ाने में मदद करता है, ताकि प्लेसेंटा बढ़ते हुए शिशु के वजन को सह सके और आगे की गर्भावस्था बना रहे। लेकिन यदि किसी महिला में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का प्रवाह नहीं होता हो तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, फलस्वरूप न ही कोई फर्टिलाइजेशन होगी और न ही कोई प्रेगनेंसी ठहरेगी, अर्थात महिला बांझपन का शिकार हो जाएगी। तथा इस तरह के केस को मेडिकल भाषा में एन ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनके इलाज के लिए एचसीजी हार्मोन जैसे इंजेक्शन ह्यूकॉक दिया जाता है। एचसीजी हार्मोन शरीर में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के तरह ही काम करता है और इसे देने के 38 से 40 घंटा के बीच ही ओव्यूलेशन हो जाता है। दूसरी बात, यदि कॉर्पस ल्यूटियम पर्याप्त मात्रा में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करने में असक्षम हो,
जिसे मेडिकल भाषा में कॉर्पस ल्यूटियम इनसफिशियंसी कहते हैं, में HCG हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है तथा कॉर्पस ल्यूटियम इनसफिशियंसी के कारण होने वाले एबॉर्शन, जैसे हैबिचुअल एबॉर्शन तथा थ्रेटेंड एबॉर्शन अर्थात स्पॉटिंग में भी HCG का इंजेक्शन दिया जाता है। इनके अलावे ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जैसे IVF, ICSI में प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए HCG का इंजेक्शन दिया जाता है। यदि आपको इनमें से कोई भी समस्या न होते हुए भी डॉक्टर ने HCG का इंजेक्शन लिखा है, तो समझ जाना चाहिए कि इनका उपयोग प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर किया गया है। अर्थात यदि डॉक्टर को लगता है कि आगे मिसकैरेज होने की संभावना है, खासकर वैसी महिलाएं जिन्हें PCOS हुआ हो या जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो, तो भविष्य में होने वाले मिसकैरेज को रोकने के लिए इंजेक्शन HCG देते हैं। संक्षिप्त में HCG हार्मोन के उपयोगों को बताया जाए तो पहला है एन ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी, दूसरा है कॉर्पस ल्यूटियम इनसफिशियंसी, तीसरा है हैबिचुअल एबॉर्शन तथा थ्रेटेंड एबॉर्शन, चौथा है ART और पांचवा है प्रोटेक्टिव या प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर। अब सबसे कॉमन सवाल जो हर किसी के मन में आता है कि इनका कोई दुष्प्रभाव भ्रूण तथा गर्भवती महिला पर तो नहीं पड़ता है? तो इनका जवाब है नहीं, इनका कोई भी दुष्प्रभाव भ्रूण पर नहीं पड़ता है, लेकिन गर्भवती महिला पर कुछ दुष्प्रभाव अवश्य पड़ता है, जैसे सिर दर्द, बेचैनी, थकान, डिप्रेशन और कभी कभी तो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम भी हो जाता है, जो एक गंभीर समस्या भी बन सकती है। इसलिए OHSS के लक्षण दिखते ही अपने डॉक्टर को तुरंत बताना चाहिए, क्योंकि समय रहते यदि इनका इलाज न किया जाए तो आगे एक गंभीर समस्या बन सकता है। इनके अलावे HCG हार्मोन से संबंधित कई सवाल हैं, जैसे HCG हार्मोन को लेने का सही तरीका क्या है, इनका सही डोज क्या है, OHSS के कौन कौन से लक्षण हैं, HCG हार्मोन के अनेकों ब्रांड्स में सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा है। यदि सही ब्रांड का चुनाव न किया गया हो तो भ्रूण पर इनका विपरीत असर भी दिखने को मिल सकता है। ऐसे ही अनेकों सवाल का जवाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए पुस्तिका में दिया गया है, इसीलिए बुकलेट को डाउनलोड कर एक बार अवश्य पढ़ लें, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी के साथ साथ प्रेगनेंसी और होने वाले बच्चे को सुरक्षित रख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।